अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि हम रैम्बो टोकन के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे कि रैम्बो टोकन क्या है। इस वीडियो में आपको जो चीज़ें बताऊंगा उसमें सबसे पहले आप लोगों को ये बताऊंगा कि रैम्बो टोकन क्या है, इसकी सप्लाई कितनी है, इसकी जो ICO आ रहे हैं वो क्या है, उसका क्या मीनिंग है, स्टेकिंग रिवार्ड कितना मिलता है, डायरेक्ट रिवार्ड कितना मिलता है, इसमें लेवल जो है ना इनकम कितनी होती है, कितने लेवल तक जो है ना वो हम इनकम की ले सकते हैं। इसके अलावा इसके बारे में बर्निंग जो है वो बताऊँगा। उसके अलावा मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि इसका पोटेंशियल क्या है, कब इसकी वैल्यू जो है ना वो कितनी हो सकती है, और इसके बाद जो है ना वो मैं आपको लिस्टिंग बताऊंगा। इस वीडियो में आपको कंप्लीट ये जो चीज़ें हैं वो सारी एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको रैम्बो टोकन जो है ना इसके बारे में डिटेल मिल जाए कि रैम्बो टोकन क्या है और कैसे वर्क कर रहा है और इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। तो वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है। अगर आपने कोई भी पार्ट मिस कर दिया तो आपको जो है ना वो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना इस वीडियो को लाइक कर दें, एक कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल कर दें। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये कौन से ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है, तो BEP20 जो है इसकी ब्लॉकचेन पे वर्क कर रहा है। और इसके अलावा अगर हम इसके रिवार्ड की बात करें तो ये 6x जो हमें वो रिवार्ड देता है। और ये टाइम पीरियड की बात करें तो ये 300 दिन का प्रोजेक्ट है। अगर इसकी हम लोग सप्लाई और बर्निंग की बात करें तो इसकी जो इनिशियल सप्लाई है वो 1 बिलियन है और मैक्सिमम सप्लाई जो है वो इसकी 50 मिलियन है। और इसके अलावा जो इसकी बर्निंग होगी वो हर ट्रांजैक्शन के ऊपर 1% इसकी जो है ना वो बर्निंग होगी। अगर इसके ICO की बात की जाए तो इसमें जो है ना वो 3 ICO होंगे और इसमें जो है ना हर ICO में डिफरेंट जो है ना वो क्वांटिटी जो है ना वो टोकन की सेल की जाएगी। फर्स्ट ICO की बात की जाए तो प्राइस जो होगी इसकी वो 0.01 होगी, 40% जो इसमें सेल होगा और 2 CR टोकन जो है ना वो इसमें सेल होंगे। सेकंड जो है इसमें जो इसकी वैल्यू होगी वो $0.025 होगी और 40% इसमें भी सेल होगा और 2 CR टोकन जो है वो सेल किए जाएंगे। इसके बाद थर्ड ITO है उसमें जो इसकी वैल्यू होगी $0.04 होगी, 20% और 1 CR जो है सेल किया जाएगा। अगर हम इसमें जो है ना वो स्टेकिंग की बात करें तो स्टेकिंग में हमें डेली का रिवार्ड जो मिलता है वो 2% मिलता है। और इसके अलावा अगर जो है टाइम पीरियड की बात करें तो 300 दिन का प्रोजेक्ट है और हमें ये स्टेकिंग पर रिवार्ड जो है वो 300 दिन मिलना है। अगर आप नीचे देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि वहाँ पर लिखा हुआ है मिनिमम जो RNB की स्टेकिंग है वो 1000 टोकन की है और इसके अलावा जो हमें हम अर्न कर सकते हैं वो 6x मीन्स के अपनी जितनी भी इन्वेस्टमेंट की होगी उसका 6 गुना जो है वो अर्न कर सकते हैं। अगर हमने 1000 टोकन की स्टेकिंग की हुई है तो हम लोग यहाँ से 6000 टोकन जो है वो ईजिली अर्न कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर डायरेक्ट रिवार्ड की बात की जाए तो हमें डायरेक्ट रिवार्ड जो है वो 15% मिलता है। अगर हम किसी को भी रेफ़र करेंगे तो रेफ़र करने पे हमें जो रिवार्ड मिलेगा वो 15% मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक शख्स जो है वो 1000 टोकन की स्टेकिंग करता है तो उसका 15% जो है ना वो हमें मिलेगा। और इसके अलावा अगर वो ज़्यादा टोकन की स्टेकिंग करता है तो उस हिसाब से फिर हमें जो है ना वो प्रॉफिट मिलेगा। अगर इसमें जो है ना हम लोग लेवल इनकम की बात करें तो सबसे पहले फ़र्स्ट लेवल पर जो भी लोग हमारे अटैच होंगे उसका जो है ना वो हमें 20% मिलेगा। सेकेंड लेवल पर जो भी होंगे उसका 12% मिलेगा। थर्ड लेवल पर 5%, फोर्थ लेवल पर 4%, फिफ्थ लेवल पर 3%, सेवन लेवल पर जो है ना वो भी 2% है, 8 पे भी 2 है, 9 पे भी 2 है और 10 पे भी 2 है, 11 पे भी 2 है। इसी तरह जो आगे आपके लेवल हैं उन्हें उस लेवल के हिसाब से जो है ना वो आपकी जो है ना वो अर्निंग होती रहेगी। और ये अर्निंग जो है ना लेवल के हिसाब से आपको कैसे मिलेगी वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस अगर आपकी कितने टोकन की स्टेकिंग है तो आपको कितने लेवल की जो है ना वो अर्निंग मिल सकती है। और इसमें ये होगा कि ये नहीं है कि आपको सारे लेवल की मिलेगी, आपकी स्टेकिंग के हिसाब से जो है ना वो आपको अर्निंग होगी कि आपको किस लेवल तक मिलती है अर्निंग। इसमें अगर आप जो है ना 1000 टोकन की स्टेकिंग करते हैं तो सबसे पहले आपको ये बताया गया कि 2 लेवल तक आपको जो है ना वो अर्निंग आएगी उनके आपके टीम से। और अगर 10000 की करते हैं तो फिर जो है ना आपको 3 लेवल की आएगी, 20000 पे 5 लेवल की आएगी, 40000 पे 6 लेवल की आएगी, 50000 पे 8 लेवल की आएगी, 60000 पे जो है ना वो आपको 10 लेवल की आएगी, 70000 टोकन स्टेकिंग पे आपको जो है वो 13 लेवल की आएगी, 80000 पे 15 और 1 लाख जो है ना वो 21 लेवल तक जो है ना वो आप अर्निंग कर सकते हैं 1 लाख टोकन स्टेकिंग पे 21 लेवल तक। अगर हम इसमें इसकी बर्निंग की बात करें तो हर ट्रांजैक्शन पे इसका 1% जो है ना वो बर्न होगा, जितनी भी ट्रांजैक्शन होती जाएंगी उस हिसाब से जो है ना 1% जो है ना वो बर्निंग होती जाएगी। और नेक्स्ट अगर जो हम लोग बात करें वो पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल में ये होगा कि मंथली बेसिस पे इसके टोकन की प्राइस जो है ना वो इंक्रीज़ होती जाएगी। फर्स्ट मंथ में जो इसकी प्राइस है वो $0.02 है जो अब चल रही है, और सेकंड मंथ में जो है वो इसकी जो प्राइस हो जाएगी वो $0.025 हो जाएगी, थर्ड मंथ में जो है इसकी प्राइस $0.04 हो जाएगी और फोर्थ मंथ में $0.05 हो जाएगी। इस तरह जैसे जैसे मंथ गुजरते जाएंगे इसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी और प्राइस इंक्रीज़ होने के साथ साथ आपकी जो मंथली इनकम है उसमें भी आपका इजाफा होता जाएगा और डॉलर्स में भी जो है आपकी वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी। और नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि लिस्टिंग की, इसकी जो लिस्टिंग होगी वो 20 एक्सचेंज पे होगी और 20 एक्सचेंज पे लिस्टिंग होने के बाद इसकी जो वैल्यू होगी वो $1 प्लस होगी।
और इसको जो है ना आप जितना भी स्टेकिंग लगा सकते हैं आप स्टेकिंग लगाएं, और इसके अलावा अगर आप टीम बनाते हैं तो उससे भी आपको बेनिफिट होंगे। और ये है कि आपको इस वीडियो में मैंने कंप्लीट डिटेल बताई है कि रैम्बो टोकन जो है वो कैसे काम कर रहा है और उसकी कंप्लीट डिटेल क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपने इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।